अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सन 2021 ख़त्म होने को है लेकिन ये साल अपने साथ कई ऐसी यादें ले जा रहा है जो स्पोर्ट्स फैंस को आने वाले कई बरसों तक याद रहेगी। रवा साल क्रिकेट में तो कौमी टीम की कारकर्दगी शानदार रही है लेकिन ओलंपिक्स मुकाबलों में भी तमगा न जीतने के बावजूद कई पाकिस्तानी एथलीट्स ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। आइए इन टॉप 5 खिलाड़ियों पर नज़र डालते हैं जिन्होंने 2021 को अपने और अपने हमवतनों के लिए यादगार बनाया। दोस्तों, इस फहरिस्त में पहले नंबर पर टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले पाकिस्तानी वेट लिफ्टर तलहा तालिब है जो रातों रात मशहूर होकर सबको हैरान कर दिया था। ट्रेनिंग की मुनासिब सहूलतें ना होने के बावजूद तलहा तालिब तमगे के हुसूल से महज 2 कदम ही दूर रहे लेकिन अपनी कारकर्दगी से उन्होंने करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। जापान के शहर टोक्यो में होने वाले मेगा इवेंट में 22 साल वेट लिफ्टर ने 67 किलोग्राम की कैटेगरी में हिस्सा लिया और शानदार कारकर्दगी दिखाकर 5वीं पोजीशन हासिल की। सिर्फ 2 किलोग्राम की कमी से वो पाकिस्तान के लिए 1992 के बाद पहला मेडल जीतने से महरूम हो गए लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और साल के आखिर में उज़्बेकिस्तान में होने वाले वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में पाकिस्तान के लिए कांसे का तमगा जीता। दोस्तों, इस फहरिस्त में दूसरा नंबर क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान का आता है। बाबर आजम की इंजरी के सबब टेस्ट कप्तानी से साल का आगाज करने वाले पाकिस्तानी विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान के लिए 2021 यादगार रहा। इस साल को मोहम्मद रिजवान का साल कहा जाए तो गलत नहीं होगा क्योंकि उन्होंने रवा साल खेल से जुड़ा तकरीबन हर रिकॉर्ड अपने नाम किया। रिजवान ने न सिर्फ इस साल T20 और टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी बनाई बल्कि वो तीनों फॉर्मेट्स में ऐसा करने वाले पाकिस्तान के पहले और दुनिया के सिर्फ दूसरे विकेटकीपर बन गए। इनसे कबल दुनियाई क्रिकेट में सिर्फ एक विकेटकीपर न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैककलम टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल में सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए थे। और सिर्फ यही नहीं, मोहम्मद रिजवान ने साल का इख्तिताम सबसे ज़्यादा T20 रन बनाकर किया जबकि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के कैलेंडर ईयर में भी वो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए थे। दोस्तों, इस फहरिस्त में तीसरा नंबर एथलीट अरशद नदीम का है। टोक्यो ओलंपिक से कबल पाकिस्तान की जानिब से ओलंपिक गेम्स में किसी भी एथलीट ने बराह रास्त क्वालिफाई नहीं किया था लेकिन नेजा पेंगने के मुकाबले में जगह बनाने वाले एथलीट अरशद नदीम ने न सिर्फ ऐसा किया बल्कि इवेंट के फाइनल में भी जगह बनाई। फाइनल मुकाबलों में खानेवाल से ताल्लुक रखने वाले 24 साल खिलाड़ी की कारकर्दगी बुरी नहीं थी, अलबत्ता इनके बेहतरीन थ्रो फाइनल जीतने वाले खिलाड़ी के बेहतरीन थ्रो से काफ़ी पीछे थी जिसकी वजह से वो मेडल हासिल ना कर सके। अरशद नदीम टॉप 5 खिलाड़ियों में वाहिद एथलीट थे जिन्होंने अपनी 6 कोशिशों में 4 मरतबा नेजे को 80 मीटर के दायरे से आगे फेंका। दोस्तों, इस फहरिस्त में चौथा नंबर कप्तान बाबर आजम का आता है। कप्तान बनाए जाने के बाद बाबर आजम साल का पहला टेस्ट इंजरी की वजह से नहीं खेल पाए थे लेकिन इसके बाद जब कप्तानी संभाली तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। इन्होंने टेस्ट, वनडे और T20 फॉर्मेट में अपनी जारह मजाज कप्तानी से मदाहों के दिल में जगह बना ली। T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम की बल्लेबाजी तो शानदार थी ही, इनकी कप्तानी भी बेहतरीन रही। इनकी क़यादत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पहले ही मैच में भारत को 10 विकेट से शिकस्त देकर सबको हैरान कर दिया था। बाद में न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान को भी जेर करने में इन्होंने अहम किरदार अदा किया। बाबर आजम इस बरस ICC की रैंकिंग में हर फॉर्मेट में टॉप 10 में शामिल रहे। इस वक्त वो वनडे और T20 क्रिकेट के नंबर 1 बैट्समैन है जबकि टेस्ट क्रिकेट में इनका 9वां नंबर है। बाबर आजम की क़यादत में इस साल पाकिस्तान ने 8 टेस्ट मैच खेले और 7 जीते। फेहरिस में 5वां नंबर शाहीन शाह अफरीदी का है। पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के लिए भी ये साल बेहतरीन रहा। न सिर्फ T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में इन्होंने भारत के खिलाफ शानदार ओपनिंग स्पेल करके पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई बल्कि इवेंट के इख्तिताम पर उन्हें T20 वर्ल्ड कप का बेहतरीन खिलाड़ी भी करार दिया गया। सिर्फ T20 इंटरनेशनल में ही नहीं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ने तीनों फार्मेट में शानदार कारकर्दगी दिखाई और साल का इख्तिताम पाकिस्तान की जानिब से मजमूई तौर पर 78 विकेटें लेकर किया। इस साल टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने 50 विकेटें हासिल की और 2021 का इख्तिताम ICC रैंकिंग में 3रे नंबर पर किया। शाहीन शाह अफरीदी ने 12 माह के दौरान 9 टेस्ट खेलकर 50 खिलाड़ियों को आउट किया जिसमें वेस्टइंडीज के खिलाफ 94 रन देकर 10 विकेटें इनकी बेहतरीन कारकर्दगी है। चूँकि इस साल पाकिस्तान ने वनडे मैचेस ही कम खेले इसलिए शाहीन शाह अफरीदी ने 6 मैचेस में सिर्फ 8 विकेटें हासिल की। अलबत्ता T20 क्रिकेट में इनका सितारा उरूज पर था और उन्होंने साल का इख्तिताम 21 T20 इंटरनेशनल मैचेस में 23 विकेटें हासिल करके किया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।